रामचंद्र गांव के पंडित थे। पूरे गांव वाले उनका बेहद मान सम्मान किया करते थे और सभी की नजरों में उनकी खूब इज्जत थी। रामचंद्र के बहू बबीता कद की थोड़ी छोटी थी, जिसके कारण लोग उसे उसके असली राम से नहीं बल्कि बोनी कहकर बुलाते थे। अब अपने ससुराल में नई नई थी बबीता और गांव के रीति रिवाजों और परंपराओं को समझने की कोशिश कर रही थी। यशोदा एक कड़क स्वभाव की महिला थी। वह चाहती थी कि उसकी बहू घर के सारे कामों में निपुण हो और घर का हर कार्य वह निपुणता और पूरी शिद्दत के साथ निभाए। एक दिन सुबह के समय अपनी बोनी बहू को आवाज देते हुए यशोदा बोलती है, बहू तुम्हें इस चीज का तो पता है ना कि तुम्हारे ससुर जी का इस गांव में कितना नाम है, लोग उनकी कितनी इज्जत करते हैं। जी माँ जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ससुर जी का गांव में बहुत अच्छा रुतबा है, लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और मुझे इस चीज पर गर्व है कि मैं इस घर की बहू हूँ। वो सब तो ठीक है बहू, तू ये मत सोचना कि तुम अपनी बातों से ही हमारा दिल जीत लोगी। मुझे अपने घर में एक ऐसी बहू चाहिए थी जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो। लेकिन पहले ही तुम्हारे अंदर एक कमी है, पहले से ही तुम कद में बहुत छोटी हो और वो तो सिर्फ मैं अपने बेटे के कारण तुम्हें कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कद से इतना फर्क नहीं पड़ता, लड़की में गुण होने चाहिए। माँ जी, मेरा कद बेशक छोटा है लेकिन मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है। मैं आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप बस मुझे एक बार अपने आप को साबित करने का मौका तो दीजिए। वही मौका देने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आज मैंने गांव में सभी को भोज का निमंत्रण भेजा है। तुम्हारे आने की खुशी में गांव वालों को भोज कराया जाएगा, लेकिन उस भोज का लगभग सारा खाना तुम्हें ही बनाना होगा। तुम उस चीज के लिए तैयार हो? क्योंकि उसने खाना तो बनाया था और उसे सब कुछ आता भी था, लेकिन उसने आज तक इतने सारे लोगों का खाना एक साथ नहीं बनाया था, इसीलिए वह थोड़ी सी घबराई हुई थी। अपनी बहू के चेहरे पर शिकन देखकर यशोदा बोलती है, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, वहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए और भी लोग होंगे, बस तुम्हें बनाना होगा, बाकी सब मैं देख लूंगी। बस अपने ससुर जी का मान रख लेना, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं खाना इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि ससुर जी का पूरे गांव में नाम हो जाएगा कि उनकी बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना कि घर में एक पंडित है, तो तुम्हें बिना लहसुन प्याज के स्वादिष्ट खाना बनाना है, क्या तुम कर पाओगी? माँ जी आप चिंता मत करिए, खाना चाहे कैसा भी क्यों ना बनाना हो मैं स्वादिष्ट ही बनाऊंगी। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके दिए गए इस काम को करने में सफल रहूं, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरे ससुराल की नहीं बल्कि मेरे मायके वालों के सम्मान की भी है। यशोदा की बोनी बहू इतना कहकर चली जाती है और रसोई में पहुंचकर पूरी शिद्दत के साथ काम में जुट जाती है। उसने देखा कि रसोई में सब कुछ बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। उसने अपनी सास और ननंद को कुछ परंपरागत रेसिपीज के बारे में पूछा था जो उसने याद कर ली थी, वही रेसिपीज उसे याद आ रही थी। बोनी बहू ने सबसे पहले सब्जियों को काटना शुरू किया, उसके हाथों में तेजी और निपुणता थी। उसने आलू गोभी टमाटर को बारीक बारीक काटा और फिर उसने मसालों को तैयार किया। कुछ देर बाद यशोदा फिर से उसके पास आती है और सारी सब्जियों को कटा हुआ देखकर बोलती है, बहू तुमने सारी सब्जी इतनी जल्दी काट दी, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि जिन लोगों को मैंने तुम्हारी मदद के लिए बुलाया था वो भी रास्ते में ही हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। माँ जी मैं तो बोलती हूँ कि आप उन्हें आने के लिए मना कर दीजिए, क्योंकि लगभग सारा इंतजाम मैंने कर लिया है, तो अब बिना बात के उनको यहाँ बुलाकर क्यों उनको पैसे दें और सब कुछ अकेले कर लूंगी मैं। तुम ये क्या कह रही हो, इतने सारे लोगों को खाना तुम अकेले कैसे बनाओगी? मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी रसोई बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि पूरे गांव के लोगों के लिए खाना बनाने के लिए बोल रही हूँ। माँ जी मैं जानती हूँ कि आप मुझे बड़ी रसोई बनाने को बोल रही हैं, आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं सब कुछ देख लूंगी। बहू तुम सच कह रही हो ना, सब कुछ तुम अकेले ही देख लोगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं माँ जी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जाइए आराम से बाहर का इंतजाम देखिए, मुझ पर आप विश्वास रखिए। अपनी बहू का यकीन देखकर यशोदा बहुत खुश होती है, क्योंकि यशोदा को ऐसी ही बहू की आस थी। बोनी बहू ने आटा गूंदना शुरू किया और आटा गूंदते हुए उसने सोचा कि आज तो उसे अपने परिवार को अपने हाथों का स्वाद चखाना है।
उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह सबको खुश कर ही रहेगी और अपने ससुराल का मान सम्मान बढ़ाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया तो बोनी बहू के मेहनत और लगन का असर साफ दिखाई देने लगा। उसने आलू गोभी की सब्जी को मसालों के साथ पकाना शुरू किया और अपने हाथों का जादू दिखाकर बाकी सभी चीजों को भी बनाकर पूरा घर खुशबू से महका दिया। यशोदा देवी ने भी महसूस किया कि आज तो रसोई में कुछ ना कुछ खास पक रहा है। तभी रामचंद्र घर वापस आते हैं और घर में फैली खुशबू से यशोदा को बोलते हैं, यशोदा अब मुझे क्या लगता है, तुमने इस बार जिन कारीगरों को बुलाया है अब वो खाना बहुत अच्छा बना रहे हैं। अब देखो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, लगता है कुछ विशेष व्यंजन बन रहा है। जी ये कारीगर और कोई नहीं बल्कि अपनी बोनी बहू है। घर पर सब लोग आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहू की पहली रसोई की रस्म भी आज ही कर ली जाए। मैंने बहू को बहुत सारा खाना बनाने को बोल दिया है और उसकी मदद के लिए बाहर से कारीगरों को भी बुलाया था, लेकिन उनके आने से पहले ही बहू ने सारा इंतजाम खुद ही कर लिया और फिर मैंने उनको आने से मना ही कर दिया। इसका मतलब ये सारा खाना अब बहू अकेले बना रही है। अरे कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो नाम खराब हो जाएगा मेरा। लेकिन तुम तो लापरवाह हो गई हो। अरे इतने सारे लोगों का खाना वो अकेले कैसे बनाएगी। आप चिंता मत करिए, मुझे अपनी बोनी बहू पर पूरा भरोसा है कि वो किसी को भी शिकायत का एक मौका नहीं देगी और खाना तो इतना स्वादिष्ट बनेगा कि गांव के लोग उसकी तारीफ करते थकेंगे नहीं और आपका मान सबसे पहले ही बढ़ जाएगा। अब तो मुझे भी यही उम्मीद है कि वो सब संभाल ले वरना मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अब तो खाना आने के बाद ही जब सब खाएंगे तब पता चलेगा कि बना कैसा है। अच्छा मैं ना बाहर जाके काम देखता हूँ, कोई कमी ना रह जाए। रामचंद्र इतना कहकर अपने घर के द्वार पर चले जाते हैं और वहाँ की साज सजावट देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बोनी बहू आटा गूंद कर छोटी छोटी गोलियां बनाकर रोटी और पूरियां बनाना शुरू कर देती है। पूरियां बिल्कुल गोल और पतली थी। जैसे ही पूरियां कढ़ाई में फूलती है तो बोनी बहू की आंखों में चमक आ जाती है। उसने आज से पहले कभी इतनी सारी बड़ी रसोई में खाना तैयार नहीं किया था। कुछ देर बाद वह मिठाई और रायता बनाकर लगभग सारी चीजें बना देती है और थालियों में परोस कर तैयार कर देती है। यशोदा देवी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपनी बोनी बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बहू तूने तो सच में कमाल ही कर दिया। मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि तू सब कुछ इतनी जल्दी बना लेगी। मुझे तो हर वक्त ये डर रहता था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन तूने अपनी बात का मान रखा। अब बस मुझे उस समय का इंतजार है जब गांव के लोग तेरा ये खाना खाकर तारीफ करे तेरी। माँ जी मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। देखना गांव वाले खाने की तारीफ करते नहीं थकेंगे क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। गांव के सभी लोग भोजन के लिए एकत्रित होते हैं। सभी लोग बोनी बहू के हाथों का खाना खाकर उसकी खूब तारीफें करते हैं। वाह बहू ने साबित कर दिया वो हमारे घर की लक्ष्मी है। खाना तो बहुत अच्छा बना है बल्कि अब मेहनत करके इसने हमारा दिल जीता है। गांव के सभी लोग रामचंद्र जी की बातों में हाँ मिलाते हैं और अपनी बहू की इतनी ज्यादा तारीफ सुन के यशोदा भी उसे गले से लगा लेती है। बोनी बहू मुझे तुम पर गर्व है, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक कुशल गृहिणी हो। अपनी मेहनत और लगन से बोनी बहू अपनी रसोई को सफलतापूर्वक पूरा करती है और सभी लोगों का दिल जीत लेती है। आरती अपनी ननद शालू को अपनी बहन की तरह ही प्यार करती। उसकी काफी उम्र हो गई थी लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी, जिसके चलते कई बार आस पड़ोस के लोग उसे भड़काने की कोशिश करते रहते लेकिन आरती पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन सुबह के समय आरती दूध लेने के लिए घर से निकलती है, तभी उसकी पड़ोसन कमला भी अपने घर के बाहर दूध लेने के लिए आ जाती है। भैया जरा मुझे भी दूध दे दो, इतनी सर्दी हो रही है, गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा है बहुत। आंटी जी अगर आपको इतना ही मन कर रहा है चाय पीने का तो आप मेरे घर चलिए, मैं आपको चाय बनाकर पिला देती हूँ। तू सच कह रही है बहू, तू मुझे चाय बनाकर पिलाएगी? हाँ आंटी जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भी तो मेरी माँ की तरह ही हो ना। और वैसे भी लोग कहते हैं कि बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, पुण्य मिलता है पुण्य। बहू अगर तेरी जैसी सोच सभी बहुओं की हो जाए तो किसी भी सास को अपनी बहू को घर लाने में डर नहीं लगेगा, बल्कि दोनों प्यार से और खुशी खुशी रहेंगे। बिल्कुल आंटी जी चलिए आप अंदर चलिए।
आरती कमला को लेकर घर के अंदर जाती है और उसे हॉल में बैठाकर रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। और कुछ देर बाद में वो कमला के लिए चाय लेकर हॉल में आती है और उसके साथ बैठकर चाय पीने लगती है। तभी कमला बोलती है, बहू सारा काम तो अकेले ही क्यों कर रही है, तेरी नंद शालू कहाँ है? वो तो सच में अपने आप को रानी ही समझने लगी है, जब से तू आई है थोड़ा बहुत भी काम नहीं करती तेरे साथ। कोई बात नहीं आंटी जी, अब मेरी राज में आराम नहीं करेगी तो कब करेगी, और वैसे भी अपने ससुराल जाएगी तब तो उन्हें ही सारा काम करना पड़ेगा, जितने दिन यहाँ है उतने दिन बस खाए पिए और आराम करे। बहू ऐसा करके तू अपनी नंद की आदत बिगाड़ रही है, इसको आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। आंटी जी मुझे इतनी चिंता नहीं है, जब वो टाइम आएगा ना तब का तब देखेंगे। बहू तुम दोनों मियाँ बीवी शालू के लिए रिश्ता क्यों नहीं देखते हो, शालू की भी उम्र हो गई है, कुछ साल बाद शादी करना मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। लगता है इनको चाय के लिए रोक करना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इन्हें रोकना ही नहीं चाहिए था, बिना बात के पका रही है कब से। क्या हुआ बहू, तू क्या सोचने लगी, कहीं मेरी कही बातों का बुरा तो नहीं मान गई? हाँ हाँ आंटी जी, आपकी बातों पर ही गौर कर रही थी, मैं जरूर राजीव जी से कहकर नन्हे जी के लिए रिश्ता देखने को कहूँगी। ये की ना तुमने अकलमंदी की बात, चल अब मैं चलती हूँ, चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमला इतना कहकर आरती के घर से चली जाती है। तभी उसका पति राजीव वहाँ आता है और बोलता है, आरती खाने में जो भी हो जल्दी से लेके आ जाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना खा के ऑफिस भी जाना है। जी वो मैं जी अभी तो खाने को कुछ भी नहीं बना है, तो मैं आपको क्या खाने को दे दूं? ये क्या कह रही हो तुम, अरे तुम्हें उठे हुए तो बहुत समय हो गया है, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया, इतने समय तक तो तुम सब कुछ बना लेती हो, फिर लेट कैसे हो गया? अब क्या बताऊं मैं आपको, बगल वाली कमला आंटी आ गई थी चाय पीने के लिए, तब से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, अभी आपके आने से कुछ देर पहले ही गई है। मैं तो तुम्हारी इस पड़ोस की औरतों से बहुत परेशान हो चुका हूँ, जब देखो तब तुम्हारे ही घर में आकर बैठ जाती है। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। नहीं 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 नहीं, रहने दो, अगर तुम्हें चिंता होती ना तो जब तक तुम आंटी से बात कर रही थी तुम शालू को कहकर कुछ बनवा देती मेरे लिए, लेकिन नहीं, आराम से गली की औरतों के साथ बैठो और पंचायत करो, करती रहो दिन रात करो, मैं चला ऑफिस। आप भूखे जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, माफ करिए। रहने दो, ज्यादा सोचने की ना जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस से कुछ मंगा के खा लूंगा, तुम यहाँ गली की औरतों के साथ बैठो और पंचायत करो, या तो बड़ी बहन जैसी ना अपनी ननद की सेवा पानी करो, अपनी ननद को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। राजीव इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन शालू हॉल में बैठी फोन चला रही होती है। तभी राजीव ऑफिस से घर आता है और शालू को हॉल में बैठा देखकर बोलता है, शालू बहुत ठंड हो रही है, एक ग्लास गर्म पानी लिया और साथ ही कप चाय भी। भैया आपने सोच भी कैसे लिया कि ये सब मैं काम करूंगी, इन सब के लिए भाभी है ना, वो जब मार्केट से आ जाए तब उनसे ही पानी और चाय मांग लेना। शालू तुम दिन प्रतिदिन ना बदतमीज होती जा रही हो, तुम्हारी भाभी ने ना तुम्हें बहन बहन बोल के पता नहीं सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, अरे वो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ती है और तुम उसे नौकरानी समझती हो। भैया मैं उन्हें नौकरानी नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ये बोल रही हूँ कि ये सब काम वही करती है तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि कौन सा सामान कहाँ होगा, तो वो मुझसे जल्दी सब कर लेंगी। मैं तुमसे बस ये पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे लिए गर्म पानी और चाय लाओगी या नहीं। भैया ये सब काम मुझसे नहीं होगा। ठीक है मैं खुद ही ले लेता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारी भाभी से कहूँगा ना कुछ तो वो तुम्हारी तरफ से बोलेंगी, कोई फायदा ही नहीं है मेरे बोलने का। राजीव इतना कहकर जैसे ही सोफे से उठता है तभी आरती मार्केट से आ जाती है और राजीव को देखकर कहती है, अरे राजीव जी आप कब आए, अगर आप जल्दी ही आ रहे थे तो मुझे एक बार कॉल कर देते तो मुझे मार्केट से पैदल नहीं आना पड़ता। मुझे थोड़ी पता था कि जल्दी छुट्टी हो जाएगी, हो गई तो घर आ गया, घर आया तो सर में दर्द था तो आपकी बहन जैसे जो ननद है ना उनसे बोला कि चाय और पानी दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया, बोली भाभी आएंगी ना तो देंगी। ननद जी ये क्या तरीका है अपने भाई से बात करने का, अगर एक दिन में घर पर नहीं हूँ तो तुम क्या अपने भाई को एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती हो, ये बात तो बहुत गलत है ना। भाभी चलिए मान लिया कि आप मुझे अपनी बहन जितना प्यार करती है, लेकिन आप ऐसे मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। ननद जी ये क्या तरीका है बात करने का, मैं कोई हुक्म नहीं जमा रही हूँ आप पर, बल्कि सिर्फ आपको समझा रही हूँ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे आपको समझाने की जरूरत पड़े, मैं अपने आप में भी बहुत समझदार हूँ। देख लिया और चढ़ाओ सर पे ऐसे, तुम्हारे कारण ना मैंने आतिश की शादी नहीं की थी, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब जल्दी से शादी करवा देता हूँ इसकी,
जो भी करना होगा ना ससुराल जाके करेगी। राजीव इतना कहकर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और शालू अपने कमरे में। ऐसे ही दिन बीतते हैं और दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। राजीव अपनी बहन के बर्ताव को देखकर उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता है और टाइम के साथ अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी भी फिक्स कर देता है। जब शालू को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मेरी अभी एक साल की पढ़ाई रह गई है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए। नन्द जी मैंने अपनी तरफ से आपको बचाने की पूरी कोशिश की, मैं आपको अपनी छोटी नन्द नहीं बल्कि छोटी बहन मानती हूँ, लेकिन आपने अपने भैया के सामने मेरी इंसल्ट की। उस टाइम भी मैंने आपको बचाने की बहुत कोशिश करी लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। भाभी आपको तो पता है ना कि शादी के बाद इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि पढ़ाई हो ही नहीं पाती, और जैसे मेरी हरकतें हैं मैं तो दोनों जिम्मेदारियों के साथ ससुराल में एक दिन भी गुजार नहीं पाऊंगी। वो आपकी परेशानी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब मुझे भी अपने पति की बात सुननी पड़ेगी, मैं उनके खिलाफ तो नहीं जा सकती हूँ ना। इसमें तुम्हारे भैया ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि वो इतने जिद्दी हैं तुम तो जानती हो ना। अपनी भाभी की बात सुनकर शालू भागते हुए अपने भाई के पास जाती है और बोलती है, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करूंगी, बस मुझे शादी नहीं करनी है, आप ये शादी रोक दीजिए। तुम्हें गलती का एहसास हुआ ये जान के मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये शादी तो रुकेगी नहीं अब। भैया मेरी पढ़ाई का क्या होगा? तुम्हें लगता है हम सब तुम्हारे दुश्मन है लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारी शादी की डेट हमने अगले साल की निकलवाई है जब तक तुम्हारे एग्जाम भी खत्म हो चुके होंगे। अपने भाई की बात सुनकर उसकी जान में जान आ जाती है। उस दिन के बाद वो दोबारा किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करती, बल्कि जितना उसकी भाभी उससे प्यार करती वो भी अपनी भाभी से उतना ही प्यार किया करती। मोनिका नई नई शादी करके अपने घर आई थी। मोनिका जितनी रोमांटिक थी उसका पति अजय उतना ही अनरोमांटिक था, उसे किसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तभी मोनिका हाथों में रेड रोज लेकर उसके पास आती है। हैप्पी रोज डे जान, ये मेरा पहला वैलेंटाइन डे है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये क्या है, क्या ड्रामा ये? ये वैलेंटाइन डे, रोज डे, ये सब क्या कर रही हो तुम? ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और हम क्या कोई कॉलेज के GFBF है जो उनकी तरह ये सब चीजें मनाए? आप कितने रूड हो, शादी के बाद हमारा पहला वैलेंटाइन डे है और एक आप हो कि ऐसे बात कर रहे हो। हाँ क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन चीजों में। लेकिन मुझे ये सारे दिन बहुत पसंद है, मैंने सोचा था कि शादी के बाद अपने पति के साथ मिलकर ये सारे दिन मनाऊंगी, लेकिन आपने तो मेरे सारे अनुमानों पर ही पानी फेर दिया। देखो आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मुझे ये सब ड्रामे ना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसे मत करना क्योंकि मुझसे ना ये सब नहीं होता है, मैं बहुत सिंपल हूँ, ये फिल्मों वालों की तरह ना मुझे जीना नहीं आता। लेकिन अजय जी ये सारे दिन तो बहुत प्यारे वाले दिन होते हैं, इन सब दिनों को मनाकर दो लोग पास पास आते हैं, उनका रिश्ता और मजबूत होता है, आपको इससे परेशानी क्या है? आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है क्या? यार ऐसी बात नहीं है, अब क्या प्यार को साबित करने के लिए मुझे ये सब ड्रामे करने पड़ेंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन मुझे ये सारे दिन मनाने हैं बस। सॉरी मैं इसमें ना कुछ नहीं कर सकता हूँ। अजय इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और मोनिका उसकी बातों को सोचकर उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसकी सास कावेरी वहाँ आती है। क्या बात है, मेरी चांद जैसी बहू का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बहू बताना, अजय से लड़ाई हुई क्या तेरी? नहीं नहीं माँ जी, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है, बस ऐसे ही थोड़ा सा मूड खराब है। तू मुझे पागल समझ रही है क्या बहू? ये गुलाब जमीन पर किसने फेंका, जल्दी बताओ। माँ जी वो मुझसे ही गलती से गिर गया था, किसी ने फेंका नहीं है। ठीक है बहू, तुझे नहीं बताना है तो मत बता, मैं अपने बेटे अजय से ही पूछ लूंगी। हे भगवान, अगर माँ जी को इन्होंने कुछ बोल दिया तो वो तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे, वो सोचेंगे मैंने माँ जी को चुगली करी है, मुझे माँ जी को रोकना चाहिए। अरे माँ जी रुकिए, मैं बताती हूँ, लेकिन आप अपने बेटे को मत बताना वरना वो मुझे गलत समझेंगे। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे सच जानना है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटे बहू के बीच में रिश्ता खराब हो। माँ जी आपने ना एकदम सही बोला, मैं आपके बेटे से बहुत परेशान हूँ, वो तो बिल्कुल भी रोमांटिक ही नहीं है, वो तो मेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाने से भी इनकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे ये सब दिन पसंद नहीं है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं माँ जी? बहू वो अनरोमांटिक नहीं है, बस अपने ऑफिस के काम के चक्कर में उसका ध्यान कहीं और जाता है,
तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद उसी ने पूरा घर संभाल रखा है। जी माँ जी, वो तो मैं जानती ही हूँ, लेकिन काम का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो अपने आसपास के लोगों को भूल ही जाए, उनके बारे में सोचे ही ना। बहू, अगर उसे पसंद नहीं है वैलेंटाइन डे और तुझे पसंद है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर वो साथ वैलेंटाइन डे नहीं मना रहा है तो तू उसके साथ मना ले, लेकिन ये उम्मीद मत रखियो कि वैसा ही करेगा वो जैसा तू करे उसके लिए। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज प्यार से जीती जा सकती है उसके लिए उदास बैठकर या दुखी होकर क्यों बैठना, बाकी तो तू खुद समझदार है। कावेरी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद मोनिका अपने आप से बोलती है, माँ जी सही कह रही हैं, मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। अगर उनको वैलेंटाइन डे में इंटरेस्ट नहीं है तो वो मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो है, तो मैं उनके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। प्यार से हर चीज को जीता जा सकता है। मोनिका इतना कहकर कमरे से बाहर जाती है और अपनी सास को बताकर सीधा मार्केट के लिए निकल जाती है और अजय के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाकर अलमारी में छुपा कर रख देती है। कुछ देर के बाद अजय ऑफिस से घर आता है और मोनिका को रसोई में खाना बनाते देखकर उसके पास जाता है। सॉरी, सुबह सुबह तुम्हारे साथ ना मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप इतना मत सोचिए, आप मेरे पति हैं, अगर आप मुझसे नहीं बोलोगे तो किससे बोलोगे? अरे यार, वो ना बस थोड़ा सा ऑफिस को लेकर ना मूड खराब हो चुका था, जिसके चक्कर में सारा गुस्सा तुम पे निकल गया। अरे मैंने कहा ना आपसे, इतना मत सोचिए, ये सब तो चलता रहता है। देखो मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैलेंटाइन डे मनाने जा रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। अरे ये सब बच्चों वाले काम मुझसे नहीं होते। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, मैं तो अपना पहला वैलेंटाइन डे आपके साथ ही मनाऊंगी, फिर अंजाम जो कुछ भी हो। क्या हुआ, किस सोच में डूबी हो तुम, बताओ क्या सोच रही हो? मैं तो यही सोच रही थी कि आप जो भी कह रहे हो ना सही कह रहे हो, ये वैलेंटाइन डे बेकार है, हम बच्चे थोड़ी ना है। अरे वाह, तुम्हारे तो तेवर बदले हुए हैं, कुछ ही देर में इतने बदलाव कैसे आ गए? मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। लोग सच कहते हैं कि आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। अभी जब तक मैं आपकी बात नहीं मान रही थी तो आपको परेशानी थी, अब जब मैं आपकी बात मान रही हूँ तो भी आपको परेशानी है। नहीं नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात बहुत जल्दी मान ली, और हाँ हमेशा ऐसे ही रहना। जी मेरे पति देव जी। अजय मोनिका की बातों को सुनकर हंसते हुए अपने कमरे में चला जाता है। दिन बीतते हैं और मोनिका बीतते दिनों के साथ वैलेंटाइन डे मनाने की पूरी तैयारी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका के बदले रूप को देखकर अजय को लगता है कि मोनिका वैलेंटाइन डे मनाने की जिद को छोड़ चुकी है, लेकिन सच कुछ और ही था। और अजय को दोस्त की बर्थडे पार्टी बोलकर वो अपने साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जो कि काफी अच्छे से सजा हुआ था और उन दोनों के सिवा वहाँ कोई नहीं था, जिस पर अजय बोलता है, मोनिका मुझे लगता है हम जल्दी आ गए, या फिर हो सकता है देर हो गई हो हमें, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है तुम्हारे सारे दोस्त? यहाँ आपके और मेरे सिवा कोई नहीं है और नहीं होगा, मैं यहाँ आपको अपने साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए लाई हूँ, मैंने कहा था ना कि मेरा पहला वैलेंटाइन डे आपके साथ ही मनाकर रहूंगी मैं। हद है यार, मुझे लगा तुम्हारे दिमाग से ये वैलेंटाइन डे का भूत उतर चुका होगा, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत तेज निकली। अरे मुझे तुम्हारी ये हरकत ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, तुमने मुझसे झूठ बोलकर सही नहीं किया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बच्चों वाली हरकतें आप कर रहे हो या मैं कर रही हूँ, आपको वैलेंटाइन डे से प्रॉब्लम क्या है? इतना प्यारा दिन होता है, हमारी नई नई शादी हुई है, अगर इस दिन हम थोड़ा टाइम अकेले बिता लेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा? बुरा कुछ नहीं है, बस मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ और मैंने ये बात मान भी ली, मैंने आपको मेरे लिए कुछ भी करने को नहीं कहा, लेकिन अब जब सब कुछ मैंने किया है तो भी आप मेरा साथ क्यों नहीं दे सकते हो? अपने इस घमंड में आप ये भूल गए हो कि इस दिन हमारी सगाई भी हुई थी, मैंने दोनों चीजें ध्यान में रखकर इतनी तैयारियां की हैं, लेकिन जब आपको किसी चीज की कदर ही नहीं है तो आप जा सकते हो। सॉरी 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 सॉरी, मैं सच में बहुत बुरा पति हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ मैं भी आजकल, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, माफ कर दो मुझे। देखो मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, बल्कि आपके साथ इस दिन को यादगार बनाना है, खास बनाना है, क्या आप इसमें मेरा साथ नहीं दोगे? अगर तुम्हें खुशी मिलती है ना इससे तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, मैं सच में दिल से सॉरी कहता हूँ तुम्हें, एक पति होने के नाते मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को समझना चाहिए था, उसकी कदर करनी चाहिए थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे से हम हर वैलेंटाइन डे ना एक साथ मनाएंगे, वो भी खुश होके। मोनिका अजय की बात सुनकर खुश हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं और अजय अपने वादे के अनुसार हर साल
मोनिका के साथ वैलेंटाइन डे मनाता है। दोबारा दोनों के बीच में वैलेंटाइन डे को लेकर कभी बहसबाजी नहीं होती। सुजाता सुबह सुबह घर का काम कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सुजाता का पति शंकर पूजा कर रहा था। तभी वहाँ सुजाता की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुजाता, खाना बना रही है? मैं तो बस तुझे ये कहने आई थी कि शाम में तुझसे जो मेरी बहू पकोड़े लेकर आई थी उसमें नमक ज्यादा था, लेकिन फिर भी मैं उसके पैसे देने आई हूँ। अरे विमला काकी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं जो भी पकोड़े बनाती हूँ पहले से चखती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने ग्राहकों को पकोड़े देती हूँ। मुझे तो कल के किसी भी पकोड़े में कोई दिक्कत नहीं लगी। तो तू कहना क्या चाहती है, मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे सुजाता, तू अगर ऐसे बोलेगी तो मैं नहीं भेजूंगी अपनी बहू को तेरे पकोड़े की दुकान पर। अच्छा ठीक है, लाइए पैसे, हो सकता है पकोड़े में नमक ज्यादा हो गया हो। अगर यही तू पहले बोल देती तो सुबह सुबह इतनी बात तो नहीं बढ़ती। अरे काकी, अगर आपको मेरे पकोड़े पसंद नहीं आए तो आप ये पैसे भी रख लीजिए, कोई बात नहीं। सुजाता विमला से इतना कहती है कि विमला सुजाता के हाथों से पैसे छीन लेती है और पैसे गिनते हुए कहती है, आज तो शाम में मैं इससे ही सब्जी लेकर आऊंगी। ठीक है बहू, आऊंगी मैं पकोड़े लेने। सुजाता तुम इतनी सीधी क्यों हो? अरे कोई भी आता है तुम्हें बहलाता है और कुछ भी लेके चला जाता है। अरे विमला काकी को तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि वो कैसी है, उन्हें तो बस फ्री का कुछ भी चाहिए। मुझे पता है वो झूठ बोल रही थी, लेकिन उनसे पैसे भी तो नहीं ले सकती थी जब उन्हें वो पकोड़े पसंद आए ही नहीं। तो दिल का अच्छा होना भी तब तक अच्छा होता है जब तक हमें पता है कि सामने वाले को हमसे मदद चाहिए, लेकिन हमारे दिल के अच्छे होने के कारण अगर कोई हमारा फायदा उठा रहा है तो समझ जाओ वो आपको बेवकूफ समझता है। जी मैं कोशिश करूंगी कि आगे से मैं सामने वाले को समझ सकूं कि वो सच में मदद के लायक है या फिर मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। घर का काम करने और खाना बनाने के बाद सुजाता अपने पकौड़े की दुकान पर जाती है, जहां कुछ देर बाद ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। हालांकि कुछ देर बाद वहां एक औरत आती है जो कि सुजाता से कहती है, अरे बहन, आज दुकान खोलने में लेट हो गई आप। मैं और मेरी बेटी कब से आपके पकौड़े की दुकान लगाने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, आज घर के कामों की वजह से थोड़ी लेट हो गई, लेकिन फिर भी मैं समय पर आई हूँ। अच्छा बताइए, प्याज, आलू, गोभी, बैगन किसके पकोड़े दूँ आपको? अरे सब थोड़े थोड़े पैक कर दो बहन, 100 रुपए के पकोड़े बांधो। लगता है आज मेहमान आए हैं आपके घर। हाँ बहन, क्या बताऊँ, एक तो बच्चे समझते नहीं और जब भी घर में कोई एक जन बढ़ जाए तो आफत आ जाती है। कैसी आफत बहन जी, कोई दिक्कत है क्या मेहमानों से आपको? नहीं बहन जी, मुझे मेहमानों से क्या ही दिक्कत होगी, बल्कि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। वो क्या है ना कि मेरा पति कमाता नहीं है और जो मैं कमाती हूँ उसमें से भी खा पी लेता है। अरे बहन, ये पीने खाने वाले लोगों का तो अलग ही समस्या है, ना ये अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, ना ही ये अपना सोचते हैं, और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे पास बस यही 100 रुपए हैं और घर में शाम का राशन भी नहीं है, मैंने सोचा मेहमान को यही पकोड़े परोस दूंगी, लाला जी की दुकान से उधार ले आऊंगी, लेकिन वो भी उधार नहीं देता, पहले का पैसा ही इतना बाकी है। लेकिन मैं भी आपको क्यों ही सुना रही हूँ। सुजाता का दिल बहुत बड़ा था, वो हमेशा ही असहाय और गरीब लोगों की मदद किया करती। अब वो उस औरत को पकोड़े तो देती है लेकिन उसके पैसे भी लौटा देती है और ऊपर से 100 रुपए देते हुए उसे कहती है, ये लो आपके पकोड़े और ये आपके पैसे और ये मेरी तरफ से। अब कुछ मत कहना, लेकिन कभी भी किसी से किसी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। बहन तुम दिल से बहुत अच्छी हो, हमेशा खुश रहो, तुम्हारा घर परिवार सब सुखी रहे। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद में वहाँ पर विमला का आना होता है और वो सुजाता के पकौड़े की दुकान पर आकर बैठ जाती है। अरे विमला काकी, क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस क्या बताऊँ सुजाता, तू भी तो मेरी बहू जैसी है, लेकिन मेरी अपनी बहू मुझे अब कुछ भी नहीं समझती है। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? अरे बहू अब क्या ही बताऊँ तुझे, मैंने अपनी बड़ी बहू से 10 रुपए ही मांगे, वो भी तेरे यहाँ पकोड़े खाने के लिए, कहती है आपकी जुबान तो इतनी तेज है कि आप ये घर भी बेच खाएंगी। अरे काकी, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, ये लो खाओ पकोड़े। विमला का तो ये बहाना था और सुजाता इस बात से अनजान थी। अब विमला सुजाता के दिए पकोड़े ले लेती है और खाते हुए सुजाता से कहती है, बहू
थोड़ी हरी चटनी मिलेगी क्या? तेरे हाथों के पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। माँ जी, आप तो कह रही थी कि मैं आज पकौड़े खाऊंगी ना, तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? और आपने चाय भी नहीं पी। तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू? तुझे यहाँ आने को किसने कहा? अरे मैं तो पकोड़े लेने आई हूँ। सुजाता बहन, 50 के पकोड़े पैक कर दो। राखी बहन, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझसे कहे बिना रहा भी तो नहीं जा रहा। आप अपने लिए तो पकोड़े खरीद सकती हैं, तो फिर आप विमला काकी को पकोड़े के लिए 10 रुपए भी नहीं दे सकती क्या? लेकिन मैंने इन्हें कब मना किया? ये तो मुझे ये कहकर आई थी कि सुजाता को तो मैं एक ही बार में बोतल में उतार लूंगी। हाय राम, ये क्या बोल गई मैं? बहू, तू ये क्या बोल रही है? सुजाता जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे पहले ही समझाया था कि आप मेरे अच्छे होने का फायदा उठा रही हैं, लेकिन मैं ही पागल हूँ जो हर बार आपकी बातों में आ जाती हूँ। सुजाता को इस बात का काफी पछतावा हो रहा था कि उसकी अच्छाई का इतने दिनों से उसकी पड़ोसन विमला काकी फायदा उठा रही थी। इस बात को बीत जाने के 2 दिन बाद सुजाता के पकौड़े की दुकान पर फटे पुराने कपड़े में एक आदमी आता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं है मैंने। आप यहाँ बैठिए, मैं आपको अभी गर्मा गर्म पकौड़े देती हूँ। बस 10 मिनट का समय दीजिए, या आप ऐसा कीजिए जब तक मेरा खाना खा लीजिए, तब तक ये पकौड़े भी तैयार हो जाएंगे। हाँ बेटी, रोटी ही खिला दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। जैसे ही सुजाता उस आदमी को खाना देती है, तो वो आदमी भी जल्दी जल्दी भूखों की तरह खाना खाने लगता है। सुजाता भी कुछ समय बाद ही उसे पकौड़े बनाकर देती है, और वो भी वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। आपका पेट तो भरा ना? देखिए वो क्या है ना, मैं हर किसी को अपने दुकान पर आने के बाद बिना खाए नहीं जाने देती, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। लेकिन इस वजह से लोगों ने मेरा फायदा भी बहुत उठाया है। लेकिन मेरे पास तो सच में आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जब भी पैसा होगा मैं आपको जरूर देकर जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, आपका पेट तो भरा ना, मुझे इसी बात से बहुत खुशी है। अब सुजाता अपने कामों में लग जाती है। वो ग्राहकों को पकोड़े दे रही होती है और पकोड़े बनाने में व्यस्त होती है। लेकिन कुछ समय बाद सुजाता देखती है कि उसके पास खड़ा वो आदमी अब भी वही है, वो कहीं नहीं गया। आपको और भी भूख लगी है क्या? बताइए आपको खाना क्या है? ये लो आपके पैसे, और मैं एक समाज सेवी हूँ, और मैंने आपका नाम बहुत सुना था, तो मैंने सोचा आपकी जांच की जाए कि आप सच में अच्छी हो या फिर नाटक करती हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं तो ना गरीब हूँ ना कोई दुखियारा, मैं तो बस यहाँ आपकी परीक्षा लेने आया था जिसमें आप पूरे नंबर से पास हुई हो। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मैं लोगों से जायज पैसे और दुआ कमा रही हूँ, उसमें मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा है, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। अरे भाई भी कह रही हो और शर्मिंदा भी कर रही हो, और तुम्हारे एहसान का क्या जो तुमने मुझ पे किया है? चलो इसे रख लो, और हाँ अच्छी सी पकौड़े की दुकान लगा लेना, क्योंकि जब भी मेरा मन करेगा कि मैं पकौड़े खाऊं, मैं सीधा तुम्हारी दुकान पे आ जाऊंगा और बैठ जाऊंगा आराम से, फिर तुम खिलाती रहना मुझे पकौड़े। जी मैं यहाँ पर इन पैसों से अपने पकौड़े की दुकान खोलूंगी, जिसका नाम होगा दिलवालों के पकौड़े। सुजाता जो एक रेड़ी लगाकर अपनी दुकान चलाया करती थी, वो अब अपनी अच्छाइयों और ईमानदारी की वजह से एक बड़ा सा दुकान खोलती है और उसमें नौकर चाकर भी रख लेती है। शंकर अपनी पत्नी शीला और बेटे रवि के साथ रहा करता था। शंकर मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक रोज देर शाम शंकर थका हारा घर आता है। क्या बात है, आज काम ज्यादा था जो आप इतना लेट घर आ रहे हो? हाँ आज काम थोड़ा ज्यादा था। वैसे रवि कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहा? उसे तो आप जानते ही हो, कैसे अपने दोस्तों के साथ घूमता और खेलता रहता है। मैंने उससे कहा भी था कि पढ़ाई कर ले, लेकिन कोमल के साथ खेलने निकल गया। बच्चा है, वैसे भी इस उम्र में खेलेगा कूदेगा नहीं तो कब करेगा ये सब। मेरी उम्र में आएगा तो बस टेंशन और परेशानियों के बोझ तले दबकर ही रह जाएगा। ये तो आप सही कह रहे हो, गरीब होना भी किसी पाप से कम नहीं है। शीला और शंकर ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी रवि का घर आना होता है, और वो घर आते ही अपने पिता को गले लगा कर कहता है, पापा पापा आप कब आए? आपको पता भी है मैं आपका कब से
अच्छा, ऐसा भला क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो मेरा बेटा मुझे इतना याद कर रहा था? पापा, आपको पता है 26 जनवरी आने वाला है और स्कूल में कई सारे प्रोग्राम है, और 26 जनवरी वाले दिन मैं पुलिस बन रहा हूँ, पुलिस। लेकिन मेरे पास पुलिस की कोई ड्रेस भी नहीं है। लेकिन अभी तो मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं जो मैं तुझे पुलिस की ड्रेस दिलवा सकूं। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। नहीं पापा, मुझे नहीं पता, मुझे पुलिस की ड्रेस चाहिए, मतलब चाहिए। अगर आप मेरे लिए पुलिस की ड्रेस नहीं लेकर आए तो मैं आपसे बात भी नहीं करूँगा। ये क्या तरीका है अपनी बात मनवाने का कि मुझे कहीं से भी चाहिए? पापा ने कहा ना कि वो देखते हैं। आप लोग तो मुझे कभी भी कुछ भी खरीद कर नहीं देते। मैं नहीं जाऊंगा 26 जनवरी को स्कूल। इतना बोलकर रवि अपने कमरे में चला जाता है। इधर शीला अपने पति शंकर का उतरा हुआ चेहरा देखकर अपने पति के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, वो तो बच्चा है, लेकिन आप तो समझदार हो ना, तुम उसकी बातों को दिल पर ले रहे हो। हम इतना नहीं कर सकते हैं, बेशक हम रवि को नए कपड़े पहना कर स्कूल भेज देंगे जरूर। वो भी बच्चा है और उसके भी बहुत सारे ख्वाब है। कोई बात नहीं, देखता हूँ, मालिक को कहूँगा थोड़े पैसे उधार मिल जाते तो। ठीक है, देखिए अब आप रवि की बातों से परेशान मत होइए। अब अगली सुबह शीला रवि को स्कूल के लिए तैयार करती है और रवि से कहती है, तो स्कूल जाकर मन लगा कर पढ़। आजकल मैं देख रही हूँ तेरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, बस मैं पढ़ता ही रहूँगा, मैं ना तो खेलने जाऊँगा और ना ही किसी से बात करूँगा। तू इतना बड़ा नहीं हो गया है कि अब से जुबान लड़ाए? तभी वहाँ कोमल का आना होता है और रवि और कोमल दोनों ही स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अब स्कूल पहुंचकर टीचर बच्चों को 26 जनवरी में होने वाले प्रोग्राम के बारे में बताती है। सभी बच्चों को याद है ना, मैंने सभी को बताया था कि 26 जनवरी को स्कूल में प्रोग्राम रहेगा, तो कौन कौन हिस्सा ले रहा है? क्या तुम सबने अपनी ड्रेस ले ली? हाँ टीचर जी, मैंने तो कल ही ले लिया है डॉक्टर के कपड़े। ठीक है, अच्छी बात है। और बाकी बच्चों ने ड्रेस ली? किस किस ने ड्रेस ली वो अपने हाथ उठाए। क्लास में बैठे अधिकतर बच्चे अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन वही रवि अपना सर झुकाए बैठा होता है। टीचर जी, मैंने अपने पापा को बोला है और मेरे पापा मुझे बहुत जल्द पुलिस की ड्रेस भी दिलवा देंगे। ठीक है, तो आज लंच के बाद स्वाति मैम सभी बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगी। सभी बच्चे ध्यान से प्रैक्टिस करना ताकि हमारे स्कूल को जो डोनेशन मिलने वाला है वो मिल जाए और हमारा स्कूल आगे बढ़े। जहाँ एक तरफ रवि के स्कूल में 26 जनवरी परफॉर्मेंस चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ शंकर इस बात से परेशान होता है कि वो कैसे अपने बेटे के लिए पुलिस का ड्रेस खरीदे। अजय क्या हुआ, आज तो आप और भी ज्यादा लेट आए हो घर, और आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? मालिक ने पैसे ही नहीं दिए और कहा कि दोबारा अगर मैंने उनसे काम से पहले पैसे मांगे तो वो मुझे काम से भी निकाल देंगे, और मुझे बहुत ज्यादा सुनाया भी। लेकिन मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि मैं अपने बेटे के लिए ड्रेस कहाँ से लाऊंगा। देखिए मैं कुछ करती हूँ, आप इतना मत सोचिए, मैं करती हूँ ना कुछ। अब रवि अपने कमरे में जाता है और अपने गुल्लक को तोड़ देता है और उसमें से करीब 125 रुपए निकलते हैं। 125 रुपए तो मेरे पुलिस के ड्रेस के लिए बहुत कम है। आइडिया, अब मम्मी पापा भी पुलिस की ड्रेस के लिए परेशान नहीं होंगे। वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी ना। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और 26 जनवरी वाले दिन सुबह सुबह शीला रवि को स्कूल के लिए उठाने उसके कमरे में जाती है, तो वो देखती है रवि तो अपने कमरे में ही नहीं है। रवि, रवि कहाँ गया ये लड़का, बाथरूम में भी नहीं था। रवि क्या हुआ, सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? अरे आपका लाडला रवि कहीं मुझे मिल नहीं रहा, पूरे घर में ढूंढ लिया है मैंने उसे, कहीं वो गुस्से में स्कूल के लिए तो नहीं निकल गया? हो सकता है, वैसे भी आज हमें रवि के स्कूल भी तो जाना है। रज्जो भाभी से पूछो कोमल घर ही है या स्कूल गई है। शीला भी अपनी पड़ोसन रज्जो से कोमल के बारे में पूछती है, तो रज्जो ही शीला को बताती है कि उसकी बेटी और रवि
दोनों ही स्कूल के लिए सुबह सुबह ही निकल गए हैं। तब जाकर कहीं शीला की जान में जान आती है। सुनिए, मैं खाना बना देती हूँ, फिर हमें स्कूल भी तो चलना है ना। लेकिन मुझे दुख तो इस बात का है कि रवि को हम एक ड्रेस तक लेकर नहीं दे पा रहे हैं। मुझे भी इसी बात का बहुत दुख है, मैं भी कितना बदनसीब बाप हूँ। रवि और कोमल तो इधर स्कूल पहुँचने से पहले अपने अपने हाथों में झंडे लिए उन्हें बेच रहे होते हैं। झंडे ले लो आंटी, अंकल बस 5 रुपए के हैं। 26 जनवरी के शुभ मौके पर झंडे से करो 26 जनवरी का आगाज। आओ आओ और ले जाओ 5 रुपए का झंडा। रवि देख, कितने सारे झंडे बिक गए, और ये भी बिक जाए तो हम तेरे ड्रेस लेने चलेंगे। हाँ कोमल, तू नहीं होते तो मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तू ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। रवि और कोमल झंडा बेच ही रहे होते हैं, तभी सूट बूट में एक आदमी उन्हें झंडे बेचता देख उनसे सारे झंडे खरीद कर उन्हें भी एक एक झंडा दे देता है, और रवि को 500 रुपए देकर घर जाने और धूमधाम से 26 जनवरी मनाने को कहता है। अरे वाह, ये अंकल कितने अच्छे थे। वैसे अब जल्दी चल, तेरी ड्रेस लेनी है वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ, बस अभी चलता हूँ। स्कूल में 26 जनवरी के फंक्शन को लेकर स्कूल में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चे के साथ उनको सपोर्ट करने आ चुके थे, लेकिन रवि और कोमल कहीं नहीं दिख रहे थे। जब टीचर रवि और कोमल का नाम लेती है तो वहाँ नजर ही नहीं आते। अरे रवि और कोमल कहाँ है, मुझे तो दोनों कहीं नहीं दिख रहे। हाँ, रज्जो भाभी ने कहा तो था कि दोनों स्कूल गए हैं, वो भी इतने सुबह, और अब कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। एक मिनट टीचर जी, माफी चाहूंगा बीच में बोलने के लिए, लेकिन जिन्हें आप लोग ढूंढ रहे हो वो हमारे साथ है। रवि, कोमल आओ बेटा। मेजर साहब, ये आपके साथ कुछ हुआ है क्या? ये बच्चे सड़क पर झंडे को बेच रहे थे, तो मैंने झंडा खरीदा और बाद में देखा कि ये दुकान पे गए और पुलिस की ड्रेस खरीदी। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, तो मैं इनके पास गया और इनसे पूछा कि ये इसी ड्रेस के लिए झंडे बेच रहे थे, तो इन्होंने हाँ कहा, और ये भी बताया कि इनके माता पिता ड्रेस दिलवाने में सक्षम नहीं थे। मुझे नहीं पता था ये बच्चे स्कूल की परफॉर्मेंस के लिए ये सब कर रहे हैं, वरना हम अपनी तरफ से ड्रेस देते बच्चों को। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और मेहनत करके ड्रेस को खरीदा, और मैं इन बच्चों से बहुत खुश हूँ, और इनके भविष्य को खराब होते हुए मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं 26 जनवरी के परफॉर्मेंस से पहले 10 लाख का डोनेशन इस स्कूल को देने का वादा करता हूँ। ये देख ना सिर्फ टीचर बल्कि सभी बहुत खुश होते हैं, और रवि के माता पिता का सर तो गर्व से ऊंचा हो चुका था। हालांकि 26 जनवरी के इस मौके पर रवि को कई सारे पुरस्कार भी मिलते हैं।